अध्यक्ष जी ने मेन बात कही है गाजीपुर बॉर्डर वाले सरकार का षड्यंत्र है। हम लोग अभी कल ही बैठे ये बातें करते थे कि हमें खदेड़ने के लिए इधर धान खरीद वाले मामले चल रहे हैं, कई मामले गन्ने की पेमेंट वाले, हमें खदेड़ने के लिए षड्यंत्र हो सकता है। वो हो गया, हमारा ध्यान उधर उठा के सभी को उधर के लिए प्रेरित करके और दूसरी तरफ उधर कोई छेड़खानी हो सकती है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे भारतीय किसान यूनियन के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत साहब, आओ जी। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बैठ लो, बैठ लो भाई। धन्यवाद आप सभी का। और 12 बजे अभी आप लोग यहीं पे हो, हमें भी कई घंटे हो गए वहां से चले हुए, बीच में जगह जगह बैरिकेटिंग रोकने का इसका सारा षड्यंत्र जो सरकारों का होता है वो चला हुआ है। अब ये है कि हमारे लोग वहाँ पे हैं और हमारा सबसे पहला काम है कि हम उनके बीच में पहुंचे। अभी तो जगह भी कभी कितनी दूर है, कहाँ तक है, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर, जो डेड बॉडियां हैं उनकी, वो भी रखी हुई है भाई। उनका पीएम होना है, क्या होना, सब लोगों के बीच में, जब पूरा परिवार के बीच में हम पहुंच लेंगे, आगे का दिल में भी जाके करेंगे। तो यह है कि दुखद घटना है, चार अपने किसान गए और चार जो दूसरे लोग थे जिनको वे बहका फुसला कर लेकर आए वे लोग भी गए, तो 8 लोगों की डेथ एक ही जगह हो जाना तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। दुखद घटना है, किसी भी परिवार से लोग जाए तो किसी के बाप जाता है, किसी का भाई जाता है, किसी का बेटा जाता है, तो जाएंगे वहां पे, लोग से बातचीत करेंगे, सुनते सरकार के लोग भी वहां पे होंगे, जब तक जाएंगे इतने काफी टाइम भी हो जाएगा। और हम तो बड़े कपड़े उपड़े लेकर आए, हम फिर जब तक मोर्चा फतेह नहीं होता तो हम फिर वहां से स्थान को छोड़ते ही गए। यहाँ पर आगे तो पूरा काम यहाँ पे करवा के सारी चीजें करवा के, क्योंकि अगर कमजोर हो पड़ गए तो ये दबाने की भी कोशिश करेंगे, ये हत्याओं के मुकदमे किसानों के ऊपर लगाएंगे। तो हमको सब चीजों के लिए तैयार रहना है। अब जो लोग भी यहाँ से चलना चाहे वे अपना वहां पे भी चले, क्योंकि निर्णय वहीं बैठ कर लेंगे स्थान पे। और जो लोग यहाँ पे है अपना यहाँ पे भी रहो, अपने धरने का यहाँ पे क्या है, क्या निर्णय रखा, कल का संयुक्त मोर्चे का ये है कि डीएम के वहां पे बैठना है, ज्ञापन देना है, वो संयुक्त मोर्चे का वो है। अब तो ये है कि अपना काम करो, आप भी 4-5 बजे के उसी टाइम पे यहाँ पे होंगे। और कुछ लोग जो चलना चाहते हो, कुछ अब चले नहीं, सभी नहीं, और जैक गाड़ियां चल सकती है वो चल जाए और घर जाओ, और अगले निर्णय की वो रखोगे क्या निर्णय करना है। 10 बजे के पास में डीएम ऑफिसर लो, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, सरकार चाहती है कि ये झगड़ा करे, मतलब हम झगड़ा करें इनके साथ, मतलब हमें बचना है उनसे, उल्टा काम हो रहा है कि वे झगड़ा चाहते हैं, हमको उनसे बचना है। जैसे कुत्ता नहीं होता कि अड़काया हो जाए तो उससे दूर कूद चले, और वो पुरानी कहावत भी है कि जो खराब आदमी है, जो नीच आदमी होता है, तो ये लिखा हुआ है कि उससे 9 हाथ दूरी से जाना चाहिए, जो काटने वाला डॉग होता है उससे 3 हाथ की दूरी पर जाना चाहिए। इसका मतलब आदमी, जो नीच आदमी होता है उससे दूर को बचे, वो इसलिए कहा कि उसकी आवाज भी ना सुने। तो ये खराब लोग हैं, इनसे हमको बचना है, अपने संगठन को भी चलाना है, अपनी खेती बाड़ी भी देखना है, इनके चक्र में हूं मैं, हमको नहीं फंसना है। जो लोग भी चल सकते हैं अब चले, और जो लोग सुबह ही आए वे सुबह कर ले, इनसे कितने दूर पड़ता है, इनसे 100 किलोमीटर है इनसे, तो कुछ यहाँ पे डीएम के आ रहेंगे, कुछ वहां पर रहेंगे, जो भी निर्णय होगा वो 9-10 बजे तक वो बता देंगे कि वहां पर बड़ी मीटिंग हो रही क्या। अब ये है कि सब लोग भाई जाओ, दुखद घटना है बहुत, और लोग उधर से आएंगे पीछे से सुबह ही, उनको भी देखना है कि वे लोग निकले, उनको रास्ते दिलवाने हमको सबको, क्योंकि बहुत लोग रात को सुबह ही, बहुत लोग दिन में चलेंगे वन से,
तो आप लोगों के पास में हमको आते जाते रहेंगे, उनको लंगरबाड़ी चखाते रहना, और आगे जो लोग आएंगे, क्योंकि जो लोग पंजाब से उत्तर प्रदेश से उनसे जगह जगह से आएंगे, उनके रास्ते रहेंगे बहुत के हल्के। तो ये कि जो लोग चलना है तो आप चले, रास्ता आगे का आप लोग ही बताओगे तो चलेंगे।